हेलो स्टूडेंट, मैं सन प्रजापति डिम क्लासेस के एक नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट कह रहा है कि वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एवं रेखा x इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वक्र क्या है, वक्र मीन्स परवलय दिया हुआ है। यह परवलय क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसमें इस तरह के सवाल आपको बताए भी जा चुके हैं। यह इक्वेशन फर्स्ट और रेखा दिया हुआ है, रेखा x इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, परवलय खींचेंगे और यह परवलय जरा देखें, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। x अक्ष के अबाउट इसकी सिमेट्री रहेगी, देखेंगे इस तरह से ऐसे खींच देंगे हम लोग। और यहाँ पर यह रेखा है x इक्वल टू 3, यह परवलय है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यह x, x डैश y, y डैश एंड दिस इज ओरिजिन। और इसका कोऑर्डिनेट चूंकि यह x इक्वल टू 3 है, तो ये सपोज करें पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा 3,0। और यहाँ पर ये क्या है, मूल बिंदु है, इसका क्वाड्रेंट मिलेगा 0,0। तो कह रहे हैं कि परवलय, या देखें यहाँ पर कह रहा है कि वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एवं रेखा x इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट यहाँ पर करेंगे क्या, देखेंगे यह पूरा क्षेत्रफल हमको चाहिए, वक्र और रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसमें किसी एक भाग का क्षेत्रफल निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पूरे भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो मान लिया इस भाग का क्षेत्रफल क्या है, ए है। यहाँ पर ए बिंदु ए, इस बिंदु को ले लेते हैं बी, और इस वक्र पर एक बिंदु सी ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वक्र रहता है, सीधी रेखा नहीं रहती, इसलिए यहाँ पर वक्र पर भी एक बिंदु ले लिया जाता है। तो यहाँ पर जरा देखेंगे, देखें अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, जरा देखेंगे क्या करेंगे भाई, यहाँ पर अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 2 × a। तो 2 × a, ए का क्षेत्रफल, इस भाग का, पहले भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, जरा देखेंगे यहाँ पर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 3 और क्या y dx। और स्टूडेंट यहाँ पर करेंगे क्या, y की वैल्यू रख देंगे x के पदों में, तो यहाँ पर आएगा अभीष्ट क्षेत्रफल, जरा देखें क्षेत्रफल यहाँ पर है 2 और 0 टू 3, y का मान x के पदों में जब निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा, जरा देखें यहाँ से y इक्वल टू जब निकालेंगे तो 2 × x आएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 × x dx। और यह क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × 4, यहाँ पर हो जाएगा 4, और 0 टू 3 √x dx। √x का जब समाकलन करते हैं तो यहाँ पर आता है x^3/2 और 0 टू 3 और इंटू, देखेंगे यहाँ पर 3/2 है तो 3/2 से ऐसे डिवाइड कर देते हैं तो इंटू हो जाता है 2/3, तो 4 × 2/3 इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 8/3। और यहाँ पर जरा देखें, सबसे पहले x इक्वल टू कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो यहाँ पर जब 3 रखेंगे तो 3/3/2 और माइनस क्या रखेंगे, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0। अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है देखें 8/3 और 3 के घाते 3, देखेंगे ऐसे 3 × 1/2 / 3, इसकी वैल्यू यही है। और इसको जब हल करेंगे तो √3 × 3, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3 × √3 × √3, इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 3√3। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, जैसा देखें 3^3/2 और इसकी जगह लिख सकते हैं 8/3 इनटू, देखें यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3
देखें इस तरह से लिख सकते हैं, कड़ी में तीन के घाते तीन, और यहाँ पर आएगा 8/3 और इनटू इसकी वैल्यू रखेंगे, देखेंगे कड़ी में तीन, कड़ी में तीन, कड़ी में तीन, तो कड़ी में तीन इंटू तीन यह इससे कट जाएगा और आ जाएगा 8 × 3 स्क्वायर यूनिट इस तरह से। तो इस तरह से इस पूरे भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक भाग का निकालकर उसी में 2 से गुणा कर लेंगे, इस तरह से इस पूरे भाग का क्षेत्रफल हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से यह क्षेत्रफल आता है 8√3 स्क्वायर यूनिट।